आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। पिछले दो मॉड्यूल्स में हम लोग लॉग और एंटी लॉग के बारे में बात कर चुके हैं। टेबल्स किस तरीके से देखी जाएगी, क्या उसके रूल्स हैं, और आज उस लॉग और एंटी लॉग को यूज़ करते हुए, प्रयोग में लाते हुए, हम किस तरीके से कुछ सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो कुछ जटिल कैलकुलेशंस को किस तरीके से आसान बनाकर कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ये आपके सामने है, कैलकुलेशन करनी है आपको। ये देखिए, y बराबर 52.04 इंटू 30.65 डिवाइडेड बाई 9.753। यदि आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए तो आप तुरंत कैलकुलेटर्स की सहायता से इसको कर देंगे, लेकिन यदि आपको पेन पेपर पर करने के लिए कहा जाए तो संभवतः इसको करने में आपको कोई ना कोई गलती अवश्य करेंगे। लेकिन यदि लॉग और एंटी लॉग का प्रयोग हम सही तरीके से कर सकें तो हम, आप देखिए, 1, 2, 3, 4 स्टेप्स में ही हम इस पूरी गणना को एक्यूरेटली कर सकते हैं। किस तरीके से करना है? इस तरीके से अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो हमको सबसे पहले, अगर y बराबर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो उस जिसकी कैलकुलेशन करनी है उसको y के बराबर मान लेंगे और फिर उसका लॉग लेंगे। रूल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लॉग ले रहे हैं तो जैसे आपको पहले बताया है कि बराबर के साइन के दोनों तरफ की संख्याओं पर बराबर रूप से लॉग लिया जाता है, तो यहाँ पर तो y का बन जाएगा लॉग y। और दूसरी तरफ देखिए जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर एक आपका मल्टीप्लिकेशन भी है और यहाँ पर डिवीजन भी है, तो यहाँ पर लॉग का नियम लगेगा मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी। डिवीजन में हम क्या कहते हैं, a अपॉन b यदि है तो उसका लॉग लेने पर लॉग a माइनस लॉग b होता है, यानी ये जो फिगर है ये नेगेटिव में आ जाती है, और लॉग a इंटू b बराबर लॉग a प्लस लॉग b। तो यहाँ पर हम दोनों ही रूल्स को एक साथ लागू करेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 52.04 ये प्लस लॉग ऑफ 30.65 ये, और ये क्योंकि डिवीजन में है तो माइनस लॉग ऑफ 9.753। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब सिंपल है, अपने को लॉग टेबल में से लॉग की वैल्यूज देखनी है और लॉग के रूल्स फॉलो करने हैं, यानी लॉग टेबल में से ये हमारे लॉग कैसे देखा जाता है। चार संख्याएं क्या हो गई, 5204, तो हमें 52 के आगे 0 के नीचे फिगर देखनी है और 4 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड करना है। यदि आप करके देखें तो आप पाएंगे इसको 1.7163, यानी लॉग टेबल यदि आपके पास है तो आप इसको निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर लॉग टेबल आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मांगेंगे और आपको उपलब्ध करवाई जाती है। इसी तरीके से लॉग ऑफ 30.65, यहाँ पर देखिए दो डिजिट्स हैं 30, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और उसके बाद 3065 इसका लॉग देख लेंगे। आप निकाल के देखिए, ये आएगा 9066, ठीक है, तो 1.9066, और इसका लॉग निकालिए तो ये आ जाएगा 0.9891। सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लॉग टेबल देखने में। इसके आप गणना कर लीजिए, ये आ गया 2.6338। ये क्या हुआ, लॉग वाई। अब इसका एंटी लॉग ले लीजिए, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि लॉग और एंटी लॉग विपरीत प्रक्रियाएं हैं। तो यदि किसी संख्या का लॉग लिया है तो जो वैल्यू आई है उसका एंटी लॉग लें तो पुरानी वाली वैल्यू आ जानी चाहिए, मूल वैल्यू आ जानी चाहिए। तो अब हम
2.6338 इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेने में एंटी लॉग के नियमों की पालना करेंगे, क्या कि 6338 ये फिगर देखेंगे, 2 नहीं लिया जाएगा, तो 0.63 के आगे और 3 के नीचे, ठीक है ना। वो आप देख लीजिए कितना है, 4295, और 8 का मीन डिफरेंस यहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्या आ गया 4303, एक के आगे डेसिमल लगा दीजिए 4.303। और यहाँ पर क्योंकि 2 है इसलिए 10 की घात तो अपन 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा 430.3। तो ये 430.3 ये क्या हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी इसका मान आ जाएगा। तो सिर्फ 3-4 या मैक्सिमम 5 पद में ही आपकी कैलकुलेशन हो सकती है, बशर्ते अपने को रूल्स और लॉग टेबल देखना आता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, 4.567, इस पे पावर लगी हुई है 1.1/7, ठीक है। इसको तो संभवतः आप कैलकुलेटर से भी आसानी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन लॉग और एंटी लॉग की सहायता से 4 बार में ही, यानी 4 लाइनों में ही इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो किस तरीके से करनी है, प्रोसेस वही रहेगा, जो भी संख्या दी हुई है उसको y के बराबर लेना है, लॉग y निकालना है, और फिर उसका बाद में एंटी लॉग निकालना है। तो इसका लॉग y निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको बताया है x रेज टू द पावर m, तो इसका लॉग क्या होता है, m पहले आ जाता है, यानी 1/7 पहले आ जाएगा, और लॉग ऑफ 4.567। अब इस संख्या का आप लॉग देख लीजिए, ठीक है, और 1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास फिगर आ जाएगी 0.0942। और अब इसका एंटी लॉग ले लीजिए, इसका 0.942 का अपन क्या करेंगे, 0.09 के आगे और 4 के नीचे टेबल देखेंगे एंटी लॉग की, और 2 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, वो आपको मिलेगा 1.243। और यहाँ क्योंकि 0 है तो 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मतलब 1, तो आपके पास आ जाएगा 1.243। तो ये y बराबर जो 4.567 रेज टू द पावर 1/7 था, इसका मान आ गया 0 नहीं है, इसकी जगह पर डेसिमल लगाना था 1.243, ठीक है। तो 4 लाइनों में इसकी कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.325 रेज टू द पावर 9, ये भी कैलकुलेटर से आसानी से नहीं होगी, लेकिन लॉग और एंटी लॉग लेकर हम इस गणना को आसानी से कर सकते हैं। तो y दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग y हो जाएगा, और इधर सेम प्रोसेस, 9 पहले आ जाएगा और लॉग की वैल्यू निकालेंगे 0.325 से, ठीक है। एक से छोटी वैल्यू है तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू आएगी या बार में लिखी जाएगी इस तरीके से। और बार का क्या तात्पर्य है, 1/0.5119 अर्थात -1 + 0.5119। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए खोल के, तो ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन इसको इस रूप में लेना है, ये कैलकुलेशन सीधी नहीं है। आप देख लीजिए 9 को इससे गुणा किया है -9, और फिर इसको बनाया है तो ये 4.6071 प्लस में है, इसको भी हमने अलग अलग करके लिखा है 4+0.6071। 9 में से 4 निकाला है तो -5, अर्थात हमने इसको इस रूप में लिखा है, ठीक है। अब हमें एंटी लॉग टेबल में देखनी है,
एंटी लॉक ये माइनस फाइव, इससे हमें 10 की घात माइनस फाइव से गुणा करना है। तो ये आपके पास 4.047 इंटू 10^-5 माइनस फाइव आ जाएगा, क्योंकि 60 के आगे एंड 0.60 के आगे और 7 के नीचे आप देखें तो ये 4.046 है, ठीक है। और इसमें एक मेन डिफरेंस ऐड कर दीजिए तो 4.047 बन जाएगा, और इसको 10 की घात माइनस 5 से गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके की सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, यदि log x बराबर पॉइंट या माइनस 2.0258 तो x का मान ज्ञात करिए, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम कुछ रूल्स जो अपने पहले पढ़ रखे हैं उसी को फॉलो करेंगे, यानी log x बराबर कितना है माइनस 2.0258। इसमें हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, तीन जोड़ेंगे और तीन घटाएंगे, ठीक है। वही हमने किया, माइनस 3 प्लस 3 और माइनस ये है, तो हमारा कितना बन गया ये माइनस 3 प्लस 0.9742, यानी इसको हमने बार के लूप में लिख दिया 3 बार 0.9742। तो x log x का मान हो गया 3 बार 0.9742, तो x का मान कितना हो जाएगा इस संख्या का एंटी लॉग। और एंटी लॉग निकालने के लिए अपने को वही प्रक्रिया करनी है, 0.97 के आगे 4 के नीचे देखना है और 2 का मीन डिफरेंस ऐड करना है और 10 की घात माइनस 3 से गुणा करना है, ये आपको मिलेगा 9.423 इंटू 10^-3। तो वो हमारे x का माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, और x बराबर क्या है फिफ्थ रूट ऑफ 493, वही निकालेंगे, पहले log और फिर एंटी log। तो log x निकालिए, log x बराबर log ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 493, फिफ्थ रूट का मतलब 493 के ऊपर 1/5 लगा हुआ है, तो वो 1/5 पहले आ जाएगा और log ऑफ 493 का log निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आएगी अपने पास 0.5386। इसको एंटी लॉग वैल्यू में देख लीजिए, यानी प्रोसेस आपको याद रखना है कैलकुलेशन के लिए, पहले लॉग निकालना है और फिर लास्ट में एंटी लॉग निकालना है। तो 0.5386 का एंटी लॉग देखेंगे और 10 की घात 0 से गुणा करेंगे, यानी 1 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट है x बराबर थर्ड रूट ऑफ 0.3688 डिवाइडेड बाय 22.958 रेज टू द पावर 5। जटिल कैलकुलेशन है लेकिन लॉग और एंटी लॉग की सहायता से सिर्फ 3-4 स्टेप्स में पूरी हो जाती है। लॉग लेना है, लॉग के नियम लगाने हैं और फिर बाद में जो संख्या आती है उसका हमें एंटी लॉग ले लेना है। सिर्फ 4 पदों में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको करके देखिएगा। वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप स्वयं बुक से लॉग और एंटी लॉग की टेबल देखकर इस गणना को कीजिएगा और देखिएगा कि आंसर इतना आता है या नहीं आता है। इसी तरीके से ये x बराबर 425 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2.73 डिवाइडेड बाई थर्ड रूट ऑफ 48.4, यानी कैलकुलेशन कैसी भी हो लॉग और एंटी लॉग स्टेप्स वही रहेंगे, लॉग और एंटी लॉग की सहायता से हम उसको सिर्फ 4 या 5 लाइनों में हल कर सकते हैं। इसलिए लॉग और एंटी लॉग टेबल देखना अच्छे से आना चाहिए और उसके रूल्स को भी हमें ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आप कोई सी भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एग्जांपल्स आपको बुक्स में और मिल जाएंगे, तो आप उनको देखिए, स्वयं भी कोई भी फिगर लिखकर आप कैलकुलेशन करने का
प्रयास कीजिए और फिर देखिए कि आप लोग को लॉग और एंटी लॉग टेबल सही से देखना आया या नहीं आया। थैंक यू।